मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत प्रदेश के चंदेरी में बने अंगवस्त्र से किया। इसके साथ ही प्रदेश में राजमार्ग निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि पर चर्चा की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को केंद्रीय सड़क निधि योजना अंतर्गत प्रदेश की चिन्हित सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना अटल प्रोग्रेस वे के DPR और प्रगति पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। और तीन प्रमुख चीजों की चर्चा उनसे मेरी हुई है। एक चंबल एक्सप्रेस वे, जिसको अटल एक्सप्रेस वे का हमने नाम दिया है, मध्य प्रदेश की तरफ से हमने 1500 हेक्टर के आसपास जमीन उपलब्ध करवा दी है, फॉरेस्ट की जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी है। अब इस एक्सप्रेस वे का DPR बनके अलाइनमेंट फाइनल हो जाए तो जो निजी जमीन भी हमें कुछ चाहिए, वो निजी जमीन भी अधिग्रहित करने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। और अटल एक्सप्रेस भी हमारे उस पिछड़े क्षेत्र के लिए, चंबल ग्वालियर संभाग के लिए वरदान साबित होगा। केवल ये रोड नहीं होगा बल्कि औद्योगिक क्लस्टर और बाकी आर्थिक गतिविधियां विकसित करके हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के उस क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदलने का काम करेंगे। मैंने माननीय नितिन जी से अनुरोध भी किया कि MSME, हमारे छोटे उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं और छोटे उद्योगों के क्लस्टर विकसित करने का काम मध्य प्रदेश कर रहा है। अभी हमने 19 MSME क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है, विभिन्न जिलों के, जिनकी सूची मैं उपलब्ध करवाऊंगा। उनमें से एक जबलपुर का मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर तो स्वीकृत किया गया है, लेकिन बाकी ये मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर जबलपुर स्वीकृत कर दिया है। तीन के लिए उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल, इंडस्ट्रियल एरिया गुना, इंडस्ट्रियल एरिया रतलाम, लेकिन अभी 15 पर सैद्धांतिक सहमति और अंतिम सहमति भी स्वीकृतियां भी बाकी है। उन्होंने आश्वस्त किया है एक महीना के अंदर ये क्लस्टर स्वीकृत करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। अलाइनमेंट भी अटल प्रोग्रेस वे का 1.5 महीने के अंदर बना दिया जाएगा, तय कर दिया जाएगा। और तीसरे, मैंने CRF की 26 सड़कों के प्रस्ताव, जो हमारे माननीय सांसदगण बाकी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आए थे, जो जरूरी रोड्स है, वो 26 प्रस्ताव भी उनको सौंपे हैं। और ये आग्रह किया है कि वो 26 सड़कें केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत करने की कृपा करें। माननीय नितिन जी ने सभी तीनों मामलों में अपनी सहमति जताते हुए आवश्यक निर्देश दिए।